मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 अगस्त और चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कौन सी सिटी में इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को इनोग्रेट करा है बाय द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो ये इनोग्रेट करा गया इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस आपका बेंगलुरु में, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है इन बेंगलुरु यूज्ड, यहाँ पे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है विद टेक्निकल नोन हाउ फॉर IIT मद्रास एंड LLT की हेल्प लेके, ठीक है। तो ये है वो बिल्डिंग, आप देख सकते हैं 3D बिल्डिंग, ठीक है। UDGM पोर्टल, ठीक है, इसे लॉन्च करा गया है बाई विच रेगुलेटरी बॉडी टू ट्रैक अनक्लेम डिपॉजिट। तो ये RBI ने लॉन्च करा है, ठीक है, और इस पोर्टल का नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो ये पोर्टल RBI ने लॉन्च करा है जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट रह जाते हैं उनके लिए, ठीक है, अक्रॉस द मल्टीपल बैंक। द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड यूजर कैन एक्सेस द डिटेल ऑफ देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन 7 बैंक प्रेजेंटली अवेलेबल ऑन द पोर्टल। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में डिक्लेरेशन कर दिया ऑफ द एंटायर स्टेट एज ए नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया फॉलो हैवी डिस्ट्रक्शन रिजल्ट फ्रॉम दी व्हाट नेचुरल इवेंट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली रेनफॉल के कारण नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टिव एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और जो फाइनेंशियल लॉस है वो कम से कम उसने एक्सीड कर दिया है 10,000 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल लॉस हो चुका है इस टाइम हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हैज़ लेड दी, इसके कारण उन्हें डिक्लेयर करना पड़ा नेचुरल कैलमिटी अफेक्टेड एरिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है शिमला और चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम वॉज रिसेंटली अनाउंस बाई विच इंडियन स्टेट कैबिनेट। तो ये महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने अनाउंस करी है भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम, ठीक है, और इसका एम है एनहेंस करी जाए रोड कनेक्टिविटी इन ट्राइबल एरिया ऑफ द 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है, और स्कीम एम टू कनेक्ट रिमोट ट्राइबल एरिया टू द मेन रोड। चीफ महाराष्ट्र की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है एकांत शिंदे जी और कैपिटल तो सभी को पता ही है महाराष्ट्र की मुंबई। रिसेंटली एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है समुद्रा और ये लॉन्च करी है भाई INCOIS ने, ठीक है, तो इज इंटेंडेड टू बेनिफिट विच ग्रुप। तो ये किसे बेनिफिट देने वाली है ये समुद्रा ऐप, तो ये देने वाली है सी फेयरर और फिश, जो फिशिंग कम्युनिटी जो फिश पकड़ते हैं और जो समुद्र में चलते हैं, ठीक है, सी फेयरर्स। और INCOIS की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। तो इन्होंने ये लॉन्च करी है समुद्रा ऐप। समुद्रा ऐप स्टैंड फॉर स्मार्ट एक्सेस टू मैरीन यूज़र फॉर ओशियन डाटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज, ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च करी गई है। अगर हम इन CIOs की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश करा गया था 1999 में। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है। तो ये है वो ऐप, आप देख सकते हैं, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इनोग्रेट करा है फर्स्ट एवर इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023, अ मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो इन विच स्टेट डिड दिस इवेंट टेक प्लेस, ठीक है। तो इंडिया मेड टेक एक्सपो आपका लॉन्च करा गया है गुजरात में, ठीक है। द एक्सपो विल शोकेस द स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ऑफ द इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इकोसिस्टम, ठीक है, और जो गुजरात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसने रैंक किया नंबर 1 इंडिया विद 33% शेयर ऑफ द ड्रग इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड 28% शेयर ऑफ ड्रग एक्सपोर्ट। कैपिटल है गांधीनगर और चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। मोहित कुमार क्लिंचेज दी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन विच वेट कैटेगरी ऑफ मैन फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो मोहित कुमार ने 55 kg में, ठीक है, अंडर 20 चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है, और ये
मैं करेक्ट करना चाहूँगा आपको, ये 55 नहीं, इन्होंने 61 केजी में ये जीत लिया, ठीक है। क्रिएटिंग हिस्ट्री, इंडियन रेसलर मोहित कुमार हैज़ बिकम दी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मेंस 61 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी एट अमान सिटी इन जॉर्डन। तो जॉर्डन की सिटी अमान, वहाँ पे ये इन्होंने ट्रॉफी मतलब मेडल जीत लिया है, ठीक है। मोहित इज़ दी फोर्थ मेल रेसलर फ्रॉम इंडिया टू अर्न अ गोल्ड मेडल इन दी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉलोइंग। इससे पहले पलविंदर चिम्मा ने 2001 में जीता, रमेश कुमार ने 2001 और दीपक पुनिया ने लेटेस्ट 2019 में जीता था। और अभी मोहित, ठीक है, मोहित कुमार बन चुके हैं फोर्थ मेल रेसलर जिन्होंने अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, कहाँ पे? अमान जॉर्डन में, ठीक है। और इंडियन मैन फ्री स्टाइल टीम हैज़ वोन सो फार वोन 5 मेडल्स, ठीक है। कैपिटल ऑफ जॉर्डन इन अमान, ठीक है, और करेंसी है जॉर्डन दिनार। यह है मोहित कुमार। इसी सेम इवेंट में, ठीक है, जिसमें मोहित कुमार ने मेडल जीता है, उसमें प्रिया मलिक ने भी गोल्ड मेडल लाया है, ठीक है, अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में, और उन्होंने लाया वुमेन 70 केजी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उन्होंने जर्मनी की प्लेयर को हरा के गोल्ड जीत लिया, ठीक है। तो मोहित कुमार और प्रियंका मलिक दोनों का गोल्ड मेडल आया है, ठीक है। और प्रीवियसली अगर वुमेन की बात करें तो अंतिम फोगाल ने गोल्ड मेडल जीता था प्रीवियस एडिशन में, जो इससे पहले एडिशन हुआ था इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये अचीवमेंट जो भी है, टॉप्स में एथलीट को प्रिपेयर कराया गया, ठीक है। उन्होंने इंडिया को 2 गोल्ड मेडल लाए हैं, अभी चल रही है चैंपियनशिप, जैसे ही मतलब इसमें और मेडल वगैरह अपडेट आएंगे तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम इंडिया ने ऐसा किया था 2001 में, ठीक है, जब इतने मेडल आए थे। सो फार अभी तक इंडिया 7 मेडल जीत चुकी है ओवरऑल, ठीक है, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। यह है प्रियंका मलिक, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रियंका मलिक और मोहित कुमार का, दोनों ने गोल्ड जीता है, ठीक है। इंडियन शूटर ईशा सिंह एंड शिवा नरवाल अचीव अ गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट द ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने, दोनों ने मिक्स कैटेगरी में, मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है, ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हो रही थी आपको ये बताना है, तो ये हो रही है बाकू अजरबैजान में, ठीक है। और इंडिया की अभी जो प्लेस है, ठीक है, इस इवेंट में वो सेकंड प्लेस पे चल रहा है, इंडिया फर्स्ट पे है चाइना, ठीक है। और हम अजरबैजान की बात करें तो इसकी कैपिटल है बाकू, ठीक है, करेंसी है अजरबैजान मन्नत, ठीक है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट टू कंस्ट्रक्ट ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस स्टेशन, तो इन जो एक कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन, इनका मेन जो प्राइमरी पर्पस है वो है कंजर्व करना ग्राउंड वाटर को, ठीक है। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे पहले, ठीक है। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है जानना नाम। और वही है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।